नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के लोगों को मिलेगी 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया है। सूबे के लोगों को अब 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सीएम चंपई सोरेन ने ऐलान किया है कि बिजली सब्सिडी में जल्द वृद्धि की जाएगी। उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ सभी वंचित टोलों में भी बिजली पहुँचाई जाएगी। सीएम चंपई ने इस संबंध में ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजस्व प्राप्ति व व्यय को लेकर समीक्षा बैठक की है। बतौर सीएम चंपई सोरेन की यह सभी विभागों की पहली समीक्षा बैठक थी। इससे पहले उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने बैठक में विभिन्न विभागों के बजटीय प्रावधान और वास्तविक प्राप्ति तथा खर्च की जानकारी ली है। उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं की भी समीक्षा की। सीएम ने सभी विभागों को योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने जनहित से जुड़ी योजनाओं को समय पर पूरा करने, स्वीकृति योजनाओं को जल्द शुरू करने और लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहली बार अपने घर पहुंचे। झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन पहली बार बुधवार को सरायकेला खरसावां जिला स्थित अपने पैतृक गांव जिलिंग गोड्डा पहुंचे। यहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। हेलीपैड से लेकर उनके घर तक पूरे गांव को सजा दिया गया था। पूरे गाँव को गोबर से लीप कर साफ किया गया। नृत्य संगीत के साथ कोल्हान टाइगर का उनके पैतृक गाँव में स्वागत हुआ। स्वागत से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी अभिभूत दिखे। उनके घर के द्वार को फूल माला से सजाया गया। छोटे भाई दीकू राम सोरेन समेत पूरा परिवार चंपई सोरेन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रशासन की ओर से भी उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई। गांव के बाहर ही हेलीपैड का निर्माण कराया गया। गांव में लोगों ने ढोल मांदर बजाकर अपने टाइगर चंपई सोरेन का स्वागत किया। मुख्यमंत्री के अपने गाँव पहुँचने से पहले उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग गाँव के बाहर सिद्धू कानू मुर्मू की प्रतिमा के पास पहुँच गए थे। सभी मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन की एक झलक पाने को बेताब थे। बाल कैदियों को देश सेवा का मिलेगा मौका। झारखंड में बाल कैदियों का जीवन संवारने की अनूठी पहल शुरू हुई है। बचपन में किसी अपराध की वजह से जेल जाने वाले बच्चे बाहर निकलने के बाद अपराध की दुनिया में वापस न लौटे, एक बेहतर शहरी की जिंदगी गुजारे, इसका पहल की गई है। धनबाद जिले के बरमसिया भुदा स्थित बाल सुधार गृह में बंद कैदियों को अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। झारखंड पुलिस की बहाली में भी शामिल होने के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा। बाल सुधार गृह के नोडल ऑफिसर कर्नल जेके सिंह ने बताया है कि बाल कैदियों को देश सेवा का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत बरमसिया भुदा स्थित बाल सुधार गृह से की जाएगी। यहां बंदियों को सेना में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। नवी की छात्रा ने बालिका वधु बनने से किया इनकार। माता पिता अपनी नाबालिग बेटी की शादी पर अड़े तो लड़की ने रांची चाइल्ड लाइन में इसकी शिकायत कर दी। उसे लगा कि माता पिता की बात मानकर अगर उसने शादी कर ली तो उसके आगे की पढ़ाई रुक जाएगी। ऐसे में उसने परिवार से बगावत करना मुनासिब समझा। नवी क्लास में पढ़ने वाली यह छात्रा करीब 14 साल की है। अपने फैसले से यह किशोरी आज समाज में उदाहरण बन गई है। बता दें, मामला झरिया थाना क्षेत्र के कोयरी बांध का है। छात्रा की शादी बुधवार को चंद्रपुरा के पहाड़ी मंदिर में बोकारो के 30 साल के युवक से होने वाली थी। जब उसने अपनी शादी का विरोध किया तो पहले उसके परिजनों ने दबाव बनाने की कोशिश की। जब छात्रा नहीं मानी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद ली तो परिजनों ने अपनी बेटी से मुंह मोड़ लिया। बताया जाता है कि छात्रा ने इसकी सूचना अपने किसी नजदीकी के माध्यम से रांची में चाइल्ड लाइन तक पहुंचा दी थी। चतरा में नक्सलियों ने पुलिस टीम पर किया हमला, दो जवान शहीद। चतरा सदर थाना क्षेत्र के बैरियो में बुधवार को नक्सलियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में दो जवान शहीद हो गए जबकि 3 घायल हैं। शहीद जवानों में बिहार के गया जिला बजरंगगंज निवासी सिकंदर सिंह व पलामू जिला तरहसी गाँव निवासी सुकन राम शामिल हैं। वहीं घायलों में पलामू के आकाश सिंह, चाईबासा मनोहरपुर थाना क्षेत्र के कुर्था बेरा गांव के संजय व गिरिडीह जिला के गरम पालमो के कृष्णलाल हाजरा शामिल हैं। इसमें एक घायल जवान आकाश सिंह की स्थिति गंभीर है। उन्हें हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक वह पहले सिकंदर सदर थाना में पदस्थापित थे और फिलहाल सुकन PTC हजारीबाग से चतरा ड्यूटी में आया था।
झारखंड के चार जिलों में होगी बारिश। झारखंड में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पछुआ हवाओं की वजह से ठंड बढ़ जाती है। अभी आने वाले कई दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि 8 से लेकर 10 फरवरी तक सुबह में कोहरा धुंध छाए रहेगा, आंशिक बादल भी रहेंगे। वहीं 11 फरवरी से फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और इसकी वजह से बारिश भी होगी। झारखंड के उत्तर पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर हल्के दर्जे की वर्षा होने की बात मौसम विभाग ने कही है। मौसम विभाग के मुताबिक गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के प्रमुख अभिषेक आनंद के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है, इसके असर से झारखंड के इन 4 जिलों में बारिश हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए करेंगे 3 बदलाव। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार 8 फरवरी को कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 3 महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सह जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केंद्रीयकृत किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 और पोर्टल कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी व कृषि समुदाय के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री शोभा करंद लाजे और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड के अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। सीएम पद की शपथ लेने के बाद से ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक्शन में हैं। वह लगातार राज्य में चल रही योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सीएम चंपाई सोरेन ने राज्य के बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव शामिल थे। बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज पर गहन चर्चा हुई है। मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों के बजटीय प्रावधान, प्राप्त लक्ष्य तथा खर्च की जानकारी ली और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जनहित में चल रही सभी योजनाओं में तेजी लाए ताकि सभी काम तय समय के अंदर निष्पादित हो। हेमंत सोरेन को फिर 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कथित जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बुधवार को भारी सुरक्षा के बीच पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी के विशेष जज दिनेश राय ने हेमंत सोरेन को फिर 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन विशेष जज ने सिर्फ 5 दिन की हिरासत दी है। हेमंत सोरेन के वकील ने पीएमएलए कोर्ट में दलील दी कि 5 दिन की रिमांड में 120 घंटे पूछताछ की गई। 20 जनवरी और 31 जनवरी को भी ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की। 2 दिन में करीब 16 घंटे तक उनके मौकिल से पूछताछ चली। ऐसे में अब और पूछताछ का कोई आधार नहीं बनता है। शादी की सालगिरह पर ईडी ऑफिस पहुंची कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पीएमएलए कोर्ट में पेशी से पहले उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस में जाकर मुलाकात की। शादी की सालगिरह पर सुबह सुबह इमोशनल ट्वीट करने के बाद कल्पना मुर्मू सोरेन पति से मिलने के लिए ईडी ऑफिस गई। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की है। इसमें दोनों संताली परिधान में है। यह किचन में ली गई तस्वीर है। मुझे अंधेरे बेसमेंट में रखते हैं, हेमंत सोरेन ने कोर्ट में बयां किया दर्द। पीएमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट को बताया है कि रिमांड पर पूछताछ के दौरान उन्हें ईडी के अधिकारी एक बेसमेंट में रखते हैं जहां कोई खिड़की तक नहीं है। रोशनदान अथवा पाइप के सहारे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जिसका जिक्र करते हुए उनके अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कहा है कि ईडी की ओर से पूछताछ के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री को अच्छी व्यवस्था नहीं दी जा रही। जिस केस में उन्हें रिमांड पर लिया गया उस केस में कोई भी साक्ष्य नहीं है और न ही ईडी अभी तक कोई साक्ष्य जुटा पाई है। ईडी जिस चैट का जिक्र कर रही है वह वर्ष 2020 का है। इस मामले से इस चैट का कोई संबंध नहीं। इसके अलावा जमीन से संबंधित मामले में ईडी पूर्व में ही सीएम से लगातार 8 घंटे पूछताछ कर चुकी है। हेमंत सोरेन की व्हाट्सएप चैट ने खोले राज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड कोर्ट ने बढ़ा दी है। ईडी ने हेमंत सोरेन की व्हाट्सएप चैट से जुड़ी सबूतों का पुलिंदा कोर्ट को सौंपा है। इसके बाद कोर्ट ने रिमांड अवधि बढ़ाने का फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की यह व्हाट्सएप चैट उनके करीबी सहयोगी विनोद सिंह के साथ हुई बातचीत की है। इस चैट को सामने रखते हुए हेमंत सोरेन से सवाल जवाब किए गए हैं। जानकारी के अनुसार ईडी को मिली हेमंत सोरेन का व्हाट्सएप चैट में कई राज छिपे हुए हैं।
बताया गया है कि ईडी ने हेमंत सोरेन की हिरासत में रहने के दौरान इस चैट को उन्हें दिखाकर सवाल जवाब किया है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से उनके करीबी सहयोगी विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप पर उनकी चैट का सामना कराया गया। इस चैट को बेहद आपत्तिजनक बताया गया है। इसमें कई संपत्तियों का विवरण शामिल है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार व झारखंड के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार व झारखंड के वरीय पुलिस पदाधिकारी की उच्च स्तरीय बैठक बुधवार को देवघर में आयोजित की गई। इस बैठक में चुनाव को शांतिपूर्ण व सुचारू तरीके से आयोजित कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं सूचनाओं के आदान प्रदान, आपसी तालमेल व अपराधियों को धर पकड़ में सहयोग करने पर बल दिया गया। शराब हथियार की तस्करी पर रोक लगाने के लिए आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर भी चर्चा की गई। निर्णय लिया गया है कि 10 फरवरी को बिहार व झारखंड के एसडीपीओ और थाना प्रभारियों की भी बैठक आयोजित की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का लाभार्थी संपर्क अभियान। मिशन 2024 के तहत 400 लोकसभा सीटों के लक्ष्य को साधने के लिए भाजपा के रणनीतिकारों ने माइक्रो लेवल पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। भाजपा की ओर से अब लाभार्थी संपर्क अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए खास तौर पर 12 फरवरी को प्रदेश स्तरीय लाभार्थी संपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रत्येक लोकसभा में चिन्हित किए गए पार्टी पदाधिकारी को आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उपाध्यक्ष डॉक्टर लुइस मरांडी, प्रदेश संयोजक राकेश प्रसाद एवं संगठन महामंत्री करमवीर सिंह की मौजूदगी में इन सभी पदाधिकारियों को इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष टिप्स दिए जाएंगे। अबुआ आवास के लिए 4 किस्त में मिलेंगे 2 लाख। राज्य सरकार के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक चला था। इसमें सिर्फ अबुआ आवास के लिए जिला प्रशासन को 1,30,000 आवेदन मिले थे। इनमें से 90% आवेदन का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। इस संबंध में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें पंचायत स्तरीय शिविरों में प्राप्त आवेदन के भौतिक सत्यापन कार्य में प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही भौतिक सत्यापन कार्य में तेजी लाने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाते हुए यथाशीघ्र 100% कराने का निर्देश दिया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन 15 तक। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 में षष्ठ वर्ग में नामांकन के लिए 15 फरवरी तक आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के वार्डन सह शिक्षिका निशा भारती ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में षष्ठ वर्ग में नामांकन के लिए कुल रिक्त 75 है। इसमें षष्ठ वर्ग में 19 बीपीएल, 27 अनुसूचित जनजाति, 3 अनुसूचित जाति एवं 26 पिछड़ा वर्ग की छात्रा का नामांकन किया जाएगा। वार्डन ने कहा है कि विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गई है। झारखंड में 16 फरवरी को चंपई सरकार का कैबिनेट विस्तार। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 16 फरवरी को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। राजभवन में गुरुवार को होने वाले कार्यक्रम में फेरबदल किया गया। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने बुधवार को बताया है कि कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव है। अब कैबिनेट विस्तार के तहत मंत्रियों का शपथ ग्रहण 16 फरवरी को दोपहर 3 बजे होगा। संवैधानिक प्रावधानों के तहत झारखंड में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। पिछली हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में 1 सीट खाली रह गई थी। मंत्रिपरिषद के लिए संभावित उम्मीदवारों के चयन के संबंध में आलम ने कहा है कि कांग्रेस ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। धन्यवाद।